आई थिंक जब से स्कॉर्पियो आई है तब से गाड़ी चलाने लग गए हैं। तो वो ड्राइविंग प्लेजर अच्छा मिल रहा होगा ना इसमें। मतलब मज़ा भी आता है ड्राइव करने में। मेरी मम्मी को बहुत पसंद थी स्कॉर्पियो बचपन से, जी मतलब उनके बचपन से, मेरे बचपन से, हाँ 5-10 साल एक से। वो होता है कि घर में बड़ी गाड़ी हाँ रही हाँ है हाँ ना। वो देखती थी ना तो सोचती थी यार गाड़ी बहुत अच्छी है, हम भी लेंगे कभी। जी तो बस मम्मी का सपना ही पूरा हो गया। चलिए ये तो एक ड्रीम कम ट्रू वाली बात हो गई। अगर अब हम शायद कोई गाड़ी ले तो वो थार हो सकती है। मुझे लगता है महिंद्रा से हटकर और कोई गाड़ी ले सकते हैं अब तो। अच्छा नेक्स्ट हमारा टारगेट शायद थार हो सकती है। चलिए लड़कियों पे बहुत अच्छी लगती है थार, जी मतलब जी जितना मैंने अभी तक देखा है। तो मैंने पेमेंट उसी टाइम कर दी, मेरे पास गाड़ी आई भी नहीं थी तभी। तो जैसे मैंने गाड़ी ली विद इन 15 मिनट्स ही अलॉय लग गए मेरी गाड़ी में। हाँ जब मैंने बुक कर दी तब 1299 की थी, वही प्राइस होता तो मैं ज़्यादा खुश वो होता। ज़्यादा सही हाँ बट रहता। उन्होंने पैसे बढ़ा दिए, चलो कोई बात नहीं, लेनी तो थी तो ले ली। फिर मैं बैठता हूँ ना उसमें, मैं मम्मी को बोलता हूँ जहाँ ले जाने गाड़ी ले चलो, मैं कहीं भी जाने के लिए तैयार हूँ। इतना कंफर्टेबल है गाड़ी में और इतना ऊँचा होकर बैठते हैं गाड़ी में, कोई दिक्कत नहीं आती है। वेलकम टू समीर फिकेशन भाई। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कॉर्पियो एन के ओनरशिप रिव्यू के बारे में। गाड़ी के ओनर भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ वीडियो में, सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं इस गाड़ी के ऊपर। पर्टिकुलरली अगर आप स्कॉर्पियो हैं या इस सेगमेंट में कोई और गाड़ी देख रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है, एंड तक देखिएगा। अब मैं ओनर को वेलकम करना चाहूँगा वीडियो में। सर प्लीज़ आइए। भाई एक इंट्रोडक्शन हो जाए, एक इंट्रोडक्शन हो जाए मैम। मेरा नाम शुभी है। ओके हाय गाइस, मेरा नाम रोहित है और मैं रियान के नाम से भी जाना जाता हूँ। ठीक है, एंड आप लोग लाइक क्या करते हैं, वर्किंग है प्रोफेशनल या कुछ और ऐसे? हम दोनों जॉब करते हैं। okay. ये भी वर्किंग है और मैं भी वर्किंग हूँ। ठीक है, तो सर कब खरीदी ये गाड़ी एंड क्या एक जो कहते हैं ना यूज़ केस था आपका कि यार एक गाड़ी लेनी है और इस सेगमेंट की गाड़ी लेनी है, SUV गाड़ी लेनी है, वो बताइए थोड़ा सा। यार गाड़ी तो हमने सोचा नहीं था वैसे लेनी है हमें। पहले हमारा प्लान था कि XL6 लेंगे। ओके मेरे पास ऑलरेडी एक गाड़ी है बट मैंने सोचा कि एक फैमिली कार भी चाहिए, थोड़े लोग बढ़ गए हैं अब लाइफ में। तो XL6 की तरफ गए थे पहले हम, बट फिर 1-2 लाख रुपए ऊपर नीचे करके अगर ये आ रही थी जिसमें टोरा भी है और exactly. लुक प्रेजेंस भी है जी। तो हमने सोचा वाई नॉट कि इसकी तरफ जाया जाए। ठीक है, एंड ये वेरिएंट कौन सा रहने वाला है, पेट्रोल है या डीजल है? ये बेस वेरिएंट है और ये पेट्रोल है। ठीक है, स्कॉर्पियो लेते वक्त कुछ माइंड में आया कि यार और कौन कौन सी गाड़ी में देख सकता हूँ पर्टिकुलरली इस सेगमेंट में, SUV वाली सेगमेंट में? मैंने सोचा था XL6 And? और किया की भी देखी थी कैरेंस। अच्छा, और एक XUV 700 थी। हाँ बट वो थोड़े बजट से बाहर जा रही थी। तो मैंने सोचा ले दे के यही सही है, ये बेस्ट चॉइस आ रही थी। ठीक है, बाकी मेरी मम्मी को बहुत पसंद थी स्कॉर्पियो बचपन से, जी मतलब उनके बचपन से, मेरे बचपन से, हाँ 5-10 साल एक से। वो होता है कि घर में बड़ी गाड़ी हाँ रही हाँ है हाँ। वो देखती थी ना तो सोचती थी यार गाड़ी बहुत अच्छी है, हम भी लेंगे कभी। जी तो बस मम्मी का सपना ही पूरा हो गया। चलिए ये तो एक ड्रीम कम ट्रू वाली बात हो गई फिर की, यू नो शुरू से जो रहता है एक फैमिली में। तो अभी आपका लाइक क्या यूज़ केस, कहाँ ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं गाड़ी को, शहरों में हाईवे पे या किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं? ये बेसिकली घूमने के लिए लिया हमने, घूमने के पर्पस के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। हाँ जी, इससे मैं अभी कसौली गया हूँ, आगरा गया हूँ। ओके 2 महीने में तो 2 जगह कवर करी है हमने। ठीक है, बाकी डेली यूज़ के लिए दूसरी गाड़ी है मेरी, वीक ऑफ पे निकालता हूँ ज़्यादातर गाड़ी में। ठीक है, तो ये बताइए कि अगर कोई प्लान कर रहा है कि लाइक 15-20 लाख रुपए में इतनी बड़ी गाड़ी लेने का और उसको यूजुअली शहरों में चलानी है, तो आपका भी एक्सपीरियंस हो गया होगा सिटी में चला के, स्पेशली दिल्ली की ट्रैफिक में, तो क्या ये मेक सेंस प्रोडक्ट बनता है, इस बारे में थोड़ा सा बताइए। या कोई ऐसी कॉम्पैक्ट साइज़ की गाड़ी लें, बिकॉज इतने पैसे में आपको सेल्टॉस वेल्टॉस का टॉप मॉडल भी काइंड आ जाता है, या जी आजकल देखो सारी गाड़ी ना महंगी हो गई है, 8-9 लाख 10 लाख बेसिकली प्राइस हो गया सब गाड़ियों का जी। अब आपको 14 लाख 15 लाख रुपये में ये गाड़ी मिल रही है तो वाई नॉट। ऑन रोड प्राइस बताइए एक बार इस गाड़ी का। जब मैंने ये बुक करवाई थी तो ये मैंने बुक करवाई थी 1299 पे। ओके और 1 साल बाद मिली मुझे, मैंने ये जून लास्ट ईयर बुक करवाई थी। ओके और मुझे ये जून इस साल मिली है। तो आपको 1 साल की डिलीवरी टाइम जो होता है कि रहा है इस गाड़ी के ऊपर। हाँ, और मिलते मिलते ये हो गई ऑन रोड मुझे पड़ गई 16 लाख की। एक्स शोरूम इसका बढ़ गया 1390 का हो गया था 1299 से। एंड ये डीजल? ये पेट्रोल। ये पेट्रोल है। तो महिंद्रा के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, इनकी जो हॉस्पिटैलिटी है, आप डीलर से विजिट करें जितने बार भी गाड़ी के लिए या जब बुकिंग के लिए और डिलीवरी के लिए गए, तो कैसा रहता है इनका बिहेवियर वगैरह, कैसे डील करते हैं ये लोग? जब मेरे पास इनके ना 5-6 मेल्स आए थे कि आपकी गाड़ी जैन में आ जाएगी, फिर मेल आया आपकी गाड़ी फैब में आएगी, फिर मेल आया आपकी गाड़ी अप्रैल में आएगी। ओके बट मुझे जल्दी गाड़ी चाहिए नहीं थी, मैंने कुछ जल्दबाजी करी नहीं क्योंकि मेरे को पैसे इकट्ठे करने थे। तो मैंने 1 साल पैसे इकट्ठे करे उसके जी, तो जून तक मेरे पास पैसे इकट्ठे हो गए थे। तो मैंने बोला मुझे अब गाड़ी चाहिए जी, जी। तो मैंने डीलर को बोला कि भाई गाड़ी दिलवाओ मुझे, अब चाहिए मुझे। तो उन्होंने 15-20 दिन का टाइम लिया,
ऊपर नीचे बोला ये ले लो, वाइट कलर ले लो, Z4 ले लो, वेरिएंट चेंज कर लें। हाँ, ग्रीन कलर भी था, ऑलिव ग्रीन था Z4 में। मैंने कहा नहीं, मैंने जो बुक कराया वही चाहिए, जो टोरा स्कॉर्पियो का आपको ब्लैक। हाँ, मैं कहा जो टोरा ब्लैक में है वो ब्लैक ही चाहिए, वाइफ का फेवरेट कलर ब्लैक है। नहीं, चलो ब्लैक ही लेंगे फिर। और मैं देख रहा हूँ कि गाड़ी को आपने एक टच दे रखा है अपना, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए कि कैसा रहा। स्पेशली Z2 में कुछ आती नहीं है चीज़ें, फीचर्स वगैरह, तो आपने क्या क्या चीज़ें? मैं वैसे ज़्यादा ओरिएंटेड नहीं हूँ फीचर्स का, जो मेन मेन चीज़ें चाहिए होती मुझे वही चाहिए थी, वो सब इसमें आ ही रहा है। ठीक है, एक बार साइड प्रोफाइल से देखते हैं गाड़ी को कि सर ने अलॉयज वगैरह लगवा रखे हैं, काफ़ी प्यारे से लग रहे हैं, इसके बारे में बताइए थोड़ा। यार ये तो मैंने शोरूम से निकलते लगवा लेते। मैं जिस दिन मेरी गाड़ी डिलीवरी थी ना, मैं उस दिन चला गया था डीलर के पास कि मैं शाम को आऊँगा आपके पास और मुझे ये अलॉय चाहिए। जी, तो मैंने पेमेंट उसी टाइम कर दी, मेरे पास गाड़ी आई भी नहीं थी तभी। तो जैसे मैंने गाड़ी ली, विद इन 15 मिनट्स ये अलॉय लग गए मेरी गाड़ी में। एंड ये स्टॉक टायर पर ही लगवाया आपने? नहीं, स्टॉक नहीं है, स्टॉक तो उसका अपोलो आता है 17 इंच का, ये 18 इंचज है, ऑल टेरेन प्लाटी। ठीक है, बाकी ये अलॉयज प्लाटी के हैं। ठीक है, कितनी चला दी सर आपने किलोमीटर? देखा नहीं यार, चला ली होगी 1500-1600। मतलब सर्विस वगैरह अभी कुछ? हाँ, सर्विस होगी, एक हुई होगी। हाँ, एक होगी, उसमें तो कुछ खास हुआ नहीं होगा? नहीं, उन्होंने बस वॉश करके दे दी। वॉश करके दे दी, न्यू गाड़ी है, कह रहे जरूरत थी नहीं कुछ। ठीक है, बेसिकली मैं एक्सपीरियंस जानना चाह रहा था कि अगर सर्विस सेंटर का आपका विजिट लगा तो वो नहीं, विद इन एक घंटे में उन्होंने फ्री कर दिया, टाइम ही नहीं लगाया। मैंने सुना कि बहुत टाइम लगाते हैं सर्विस सेंटर पे, बट ऐसा कुछ नहीं है, विद इन 1 आवर उन्होंने मुझे फ्री कर दिया। ठीक है, जैसे कि आपने बताया आपने पेट्रोल लिए तो आपकी रनिंग कम होगी, तभी पेट्रोल लिए, कॉस्ट फ्यूल एफिशिएंसी तो कुछ। हाँ, मेरी जो दूसरी गाड़ी है उसको 6 साल हो गया है। ओके, और 6 साल में वो बस चली अब तक 10,000 किलोमीटर। अरे तो कुछ भी नहीं है, पहले इनको शौक ही नहीं था गाड़ी चलाने का। आई थिंक जब से स्कॉर्पियो आई है तब से गाड़ी चलाने लग गए, तो वो ड्राइविंग प्लेजर अच्छा मिल रहा होगा ना इसमें। मजा भी आता है ड्राइव करने में, चलाने बहुत मजा आता है। जी जी, चलिए, एक होता है वो थोड़ा सा रहता है ना कि आपको कोई चीज़ काफ़ी टाइम से चाहिए होती है और वो फाइनली आ जाती है, तो आपका वो काफ़ी टाइम वाला निकलता है कि यार अब मैं इस पे अच्छा टाइम दूंगा। हाँ, मैंने इसके ऊपर 6 महीने YouTube पे वीडियो देखी है, मैंने वाहन पीज आपका चैनल है उस पर भी देखी थी मैंने वीडियो, बाकी शौक सारा मुझे मॉडिफिकेशन का ऑनलाइन देख कर आया है। ठीक है, अभी इंटीरियर में भी चलेंगे एंड में, मतलब वीडियो में ही, कि क्या क्या चीज़ें कराई हैं। तो माइलेज की मैं बात कर रहा था, माइलेज थोड़ा सा बताइए। वैसे माइलेज का मुझे सही नहीं होगा पूछना, कॉस्ट पेट्रोल है, बट फिर भी माइलेज का मुझे कुछ खास फ़र्क पड़ा नहीं, क्योंकि मेरी जो दूसरी गाड़ी वो भी 10-11-12 की एवरेज देती है। Okay. और ये भी 10 की एवरेज निकाल रही है इस टाइम। 10 निकाल रही है? हाँ, 10 निकाल रही है, मिक्स कंडीशन में। हाँ, 10 निकाल रही है। ठीक है, नॉट बैड यार, गाड़ी का साइज़ देखो जिस हिसाब से, और आपका जो एक बनता है कि हाँ यार बड़ी गाड़ी है। तो एक बार इंटीरियर में चलते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हो रही हैं एंड उसकी भी बात करेंगे। प्लीज इंटीरियर देख लेते हैं, क्योंकि इंटीरियर Z2 वाले नहीं रहे हैं अब इस स्कॉर्पियो इनके, तो थोड़ा सा बताइए इसके बारे में भी भाई कि क्या क्या चीज़ें आपने करवा ली हैं और अपना टेस्ट जो है उसको थोड़ा सा बताइए, एक्सप्रेस करिए। यार ये गाड़ी मैंने बहुत ही टेस्टफुली मॉडिफाई करवाई है, बहुत लोगों को अच्छी लगी भी है, बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं मुझे, बट कुछ लोग हैं 100 में से 10% जो कह रहे हैं क्या काम करवा लिया, क्या कलर करवा लिया, ये अच्छा नहीं लग रहा। दीज आर सब्जेक्टिव थिंग्स। हमें छपरी कमेंट्स भी मिले इस पे कि छपरी कलर करा लिया है, बट मुझे लग रहा है क्लास लग रही है इस कलर में। रेड और ब्लैक का ना एक स्पोर्ट्स थीम आता है, जी, तो मैंने उसके हिसाब से काम करवाया, बाकी मेरी चॉइस है, मेरी गाड़ी है, तो मेरे को जो अच्छा लगा मैंने काम करवाया। जी, वही है कि आपको इसके साथ रहना है, आपको ड्राइव करनी है। मेरे घर वालों को पसंद आई, बस मुझे पसंद है, बात खत्म, दुनिया तो बोलती रहेगी, दुनिया का काम है बोलना। जी, तो देख सकते हो आप, डैशबोर्ड से लेके सीट कवर से लेके सारी चीज़ें सर ने जो है वो कस्टमाइज करवा रखी है, एंड उधर स्टीयरिंग व्हील वगैरह जो है। ये सिस्टम तो आई थिंक आया हुआ है या लगवाया? सिस्टम छोटा था, इतना साइज का 8 इंच था शायद, तो ये पूरा चेंज हुआ है, ये भी नया है। ठीक है, ये वाला जो, हाँ, ये पूरा मैट आता ना, ये पूरा ग्लॉस, पर हमें ग्लॉसी ज्यादा अच्छा लगा ना, वो थोड़ा एक बाकी और काम गाड़ी में भी हमें करवाना है, थोड़े पैसे इकट्ठे कर ले और फिर करेंगे। हाँ, वो सारे तो वही है कि आपकी थोड़ी थोड़ी चीजें चलती रहती है, आप जॉब वाले बंदे यार। हाँ, सेविंग लिमिटेड होती है, उसके अकॉर्डिंग ही काम होता है। जी, थोड़ा सा कंफर्ट वगैरह बताइए कि आपने ट्रिप वगैरह भी करी गाड़ी में, सीट कंफर्ट कैसा है लंबे टाइम में अगर किसी को चलना है उस बारे में थोड़ा बताइए। गाड़ी जब मैं बैठता हूँ ना उसमें, मैं मम्मी को बोलता हूँ जहाँ ले जाने गाड़ी ले चलो, मैं कहीं भी जाने के लिए तैयार हूँ, इतना कंफर्टेबल है गाड़ी में, और इतना ऊंचा होकर बैठते हैं गाड़ी में जी, कोई दिक्कत नहीं आती है। मैंने सोलो ट्रिप जब हमने मारा, दोनों ने हमने मारा था, 350 किलोमीटर का मारा था शिमला का, और एट वन गो हम चले गए थे बिना किसी दिक्कत के, और बिल्कुल भी थकान फील नहीं हुई है। आप पूरी फैमिली के साथ भी ट्रैवल करें, लाइक पूरी 7 सीट ऑक्यूपाइड हों, उसमें भी कम्फर्ट सही था? हाँ, पीछे मेरी 2 छोटी बहन बैठी थी,
वो कहते कंफर्टेबल है, छोटे ट्रिप के लिए कंफर्टेबल है, बट अगर आप लॉन्ग ट्रिप करोगे लिए उसके लिए इतनी कंफर्टेबल नहीं है। ठीक है, अगर आप 5 लोग हैं और पीछे 2 बच्चे हैं ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से जा सकते हो। ठीक है, एसी वगैरह का क्या रिस्पांस रहा? एसी बहुत बढ़िया है इसका, विद इन 5 मिनट्स फुल चिल कर देता। तो ओवरऑल आप सेटिस्फाइड हैं जो भी चीज़ें ये ऑफर कर रहे हैं इस प्राइस ब्रैकेट में या इस यू नो सेगमेंट में, और भी गाड़ियाँ हैं उसके हिसाब से अगर देखें तो? हाँ, जब मैंने बुक करी थी तब 1299 की थी, वही प्राइस होता तो मैं ज़्यादा खुश होता, ज़्यादा सही रहता। हाँ, बट उन्होंने पैसे बढ़ा दिए, चलो कोई बात नहीं, ले ली तो थी तो ले ली फिर। कितने बढ़े? अराउंड 16 लाख ऑन रोड। 16 नहीं, पहले एक्सोरूम क्या था एंड देन आपने जब मैंने बुक कराई थी पिछले साल तब था 1299 ओके, और जब मैं लेने गया था तभी हो गई थी 1385 की। ठीक है, 86,000 रुपये बढ़ गए इस पर, अराउंड 1 लाख रुपीज़। वही वाली चीज़ है ना, इन लोगों का स्टॉक रहता नहीं है। खैर अभी तो दे रहे हैं हाथ क्या दे, अभी नहीं दे रहे हैं, 3-3 महीने 6-6 महीने की वेटिंग है। इस तरीके से न्यूज़ आर्टिकल्स आते हैं कि महिंद्रा पे स्टॉक भरा है, 1.5-2 लाख का डिस्काउंट मिल रहा है, बट आई थिंक अपर वेरियंट के लिए स्पेशली नहीं, पुराने मॉडल्स होंगे शायद या टॉप मॉडल होंगे। Z2 तो मिलती नहीं है, Z2 की बहुत डिमांड है तो लोगों को एट द एंड Z4 Z6 पे जाना पड़ता है। ठीक है, अभी थार 5 डोर आने वाली है तो देख के ऐसा कुछ लग रहा है यार कुछ टाइम वेट करता तो वो ले लेता। थार डोर फाइव के लिए ये बताएंगे क्योंकि इनकी बहन को पसंद है। प्लीज। मुझे लगता है कि थार भी, मेरी बहन को क्या मतलब, मेरी सिस्टर इन लॉ और मुझे, हम दोनों को ही थार पसंद है जी। तो अगर अब हम शायद कोई गाड़ी ले तो वो थार हो सकती है। मुझे लगता है महिंद्रा से हटकर और कोई गाड़ी ले सकते हैं अब तो। नेक्स्ट हमारा टारगेट शायद थार हो सकती है। लड़कियों पे बहुत अच्छी लगती है थार, मतलब जितना मैंने अभी तक देखा है, और थोड़ा हटके प्रोडक्ट है और मुझे लगी, और अब 5 डोर पूरा वो हो चुका है तो अब वो फैमिली कार बन चुकी है, बहुत अच्छी है मेरे हिसाब से। चलिए ठीक है, इसको सम अप करते हैं। आई थिंक सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं, अगर कुछ ना करी हूँ आपके अकॉर्डिंग तो आप कमेंट करिएगा। नंबर जो है वो भी फैंसी सा लग रहा है, इसके बारे में बताइए सर थोड़ा किस तरीके से रहा है। यार ये नंबर मेरे दिल के बहुत पास है क्योंकि मेरी जितनी भी घर में गाड़ियाँ हैं बाइक हैं ओके, मैं सारे नंबर अपनी मम्मी के डेट ऑफ बर्थ से लेता हूँ। ओह नाइस। तो इस बार मेरी शादी हो गई थी पिछले साल तो मैं सोचा व्हाई नॉट, कांग्रेचुलेशंस टू बोथ, मैं सोचा व्हाई नॉट अब वाइफ और मम्मी को बनाया जाए। तो 22 नंबर मेरी वाइफ का है और 25 नंबर मेरी मम्मी का है, तो 225। तो ये होता है यू नो, जब आप फैमिली ओरिएंटेड चीज़ें होने लगती हैं, आप फैमिली मैन बन जाते हैं तो आप इस तरीके से सोचते हैं। सिंगल बाकी मेरी दूसरी गाड़ी उसमें नंबर है 2425 क्योंकि मेरा 24 है, मेरी बुलेट में है 18-17। तो इस तरीके से आप सोचते हैं तो ये रहता है। अब एक बार आप अपना सोशल मीडिया बताइए किसी को अगर आपसे जुड़ना है और भी चीज़ें देखनी है इन चीज़ों। हाँ जी, बाकी भाई को आप सब्सक्राइब करो, जितने भी आप देख रहे हो भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं गर्मी में, आया धूप में, थैंक यू। और बाकी अगर आप और देखना चाहते हैं इसके बारे में तो मेरा इंस्टाग्राम भी है और मेरा भी एक छोटा सा हैंडल है, सब्सक्राइबर भाई जितने नहीं होंगे, अरे ऐसा कुछ नहीं है ब्रदर, बट ये मेरा चैनल है, ये है आपका रेयान अरोड़ा ब्लॉग्स, रेयान अरोड़ा ब्लॉग्स। बाकी इसके अंदर मैं रील्स वगैरह वीडियो डालता रहता हूँ, बाकी जो आपको पूछना आप मुझसे इसमें पूछ सकते हो। हाँ यार, चक्कर क्या है कि अब हम एक बार मिले वीडियो बना दी, अब काफ़ी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होती रहती हैं, तो उसके लिए आप कनेक्ट हो सकते हो सर और मैम से, ये जो है वो ज़्यादा इसके ऊपर आपको ग्लोरीफाई कर देंगे। एंड आई थिंक इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, सारी चीज़ें हमने कवर कर दी हैं, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, कुछ और सवाल हो नीचे कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूँगा इन्हीं लोगों से रिप्लाई दिलवाऊँ ताकि आपको एग्जैक्टली एक्यूरेटली चीज़ें पता चल जाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, काट।